नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल, सेंटर हेड कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, नीलकंठ आईवीएफ सेंटर, कोटा से। आज हम बात करेंगे आईवीएफ प्रक्रिया की शुरुआत से लेकर अंत तक कितना समय लगता है। आईवीएफ प्रक्रिया बहुत ज़्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं है, इसमें लगभग 1.5 से 2.5 महीने का समय लगता है। और आईवीएफ प्रक्रिया की लंबाई मरीज़ की यानी रोगी की स्थिति पर निर्भर करती है, उसके इलाज की ज़रूरत पर निर्भर करती है और उसके आईवीएफ प्रोटोकॉल पर निर्भर करती है। जब भी कोई निसंतान दंपत्ति हमारे सेंटर पे आते हैं तो हम उस रोगी का विश्लेषण संपूर्ण तरीके से करते हैं, जिसमें उसकी मेडिकल, सर्जिकल हिस्ट्री और प्रजनन हिस्ट्री यानी कि ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के बारे में डिटेल से यानी विस्तार से जानकारी लेते हैं। इसके अलावा मरीज़ को यदि कोई मेडिकल इलनेस है, जैसे कि थायराइड, शुगर, बीपी, उसके बारे में भी विस्तार से हम जाँच करते हैं और उसके लिए जो दी गई दवाइयाँ हैं उनका भी विश्लेषण करते हैं कि उन दवाइयों को चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है। इसके अलावा हम मरीज़ में महिला की सोनोग्राफी करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट और हार्मोन्स के टेस्ट करते हैं, पुरुष में शुक्राणुओं की जांच की जाती है व कुछ हार्मोन टेस्ट किए जाते हैं। इन जांचों के आधार पर हम आईवीएफ प्रोटोकॉल निर्धारण करते हैं कि मरीज़ को किस प्रक्रिया द्वारा आईवीएफ करने पर सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी प्राप्त हो सकती है। इसके बाद हम महिला व पुरुष दोनों को दवाइयाँ देते हैं, जिनके सेवन से महिलाओं में गर्भाशय की जो परत है जहाँ पे एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है यानी कि भ्रूण जो है वो इम्प्लांट होता है या चिपकता है, उसके लिए हम कुछ हार्मोनल टैबलेट्स देते हैं जिससे गर्भाशय की जो लाइनिंग है वो अच्छी और तंदुरुस्त बने और हमारे आईवीएफ की सफलता दर हम बढ़ा सकें। यदि पुरुषों में शुक्राणुओं में कोई कमी है, जैसे कि गतिशीलता में कमी है या संख्या में कमी है या फिर कोई इन्फेक्शन है, तो हम पुरुष साथी को भी साथ के साथ ही दवाइयां देते हैं, जिससे जब हमें पुरुष के शुक्राणुओं का सैंपल लेना हो एम्ब्रियो बनाने के लिए उस समय कोई और तकलीफ ना हो और हम अच्छे से अच्छे भ्रूण तैयार कर सकें। इसके बाद आता है ओवेरियन स्टिमुलेशन। हम महिला को लगभग 10 से 12 दिन लगातार इंजेक्शन देते हैं, जिनकी वजह से महिला के जो अंडे हैं उनको हम परिपक्व करना चाहते हैं, क्योंकि आईवीएफ प्रक्रिया में जितने अंडे हमें प्राप्त होते हैं उतने ही अच्छे हम भ्रूण बना सकते हैं और उनसे उत्पन्न भ्रूणों में से हम कोई भी दो अच्छे यानी कि सर्वश्रेष्ठ भ्रूणों को छांट करके महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं। तो महिला को लगातार 10 से 12 दिन हमारे सेंटर पे आना होता है। सोनोग्राफी के माध्यम से हम अंडों की साइज़ को देखते हैं और उस हिसाब से इंजेक्शन्स का चयन किया जाता है। जब हमें लगता है कि सारे अंडे मैच्योर हो चुके हैं यानी परिपक्व हो चुके हैं तो एक ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है और ट्रिगर इंजेक्शन के लगभग 35 से 36 घंटों के अंदर अंदर हम सभी अंडों को महिला के अंडाशय से निकाल लेते हैं। अब जानेंगे ओसाइट रिट्रीवल प्रक्रिया के बारे में। जब हमें लगता है कि महिला के सारे अंडे परिपक्व हो चुके हैं तो ट्रिगर इंजेक्शन के लगभग 35 से 36 घंटे के अंदर हम ओसाइट रिट्रीवल की प्रक्रिया करते हैं, जिससे हम मैच्योर अंडों को महिला के शरीर से बाहर निकालते हैं। इसमें महिला को सिडेटिव या फिर शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और एक सुई के माध्यम से हम सोनोग्राफी प्रोब की सहायता से सभी अंडों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लेते हैं और आईवीएफ लैब में एक पेट्री डिश में रख लेते हैं। इसके बाद पुरुष साथी का सीमन सैंपल लिया जाता है और इन दोनों को यानी महिला के अंडों को और पुरुष के शुक्राणुओं को वॉश किए गए सैंपल को हम फर्टिलाइजेशन के लिए पेट्री डिश में आईवीएफ लैब में छोड़ देते हैं। इसके बाद आती है फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद भ्रूण तैयार होते हैं और इन भ्रूणों को हम तीसरे दिन या पाँचवें दिन तक ले जाते हैं उन भ्रूणों की संख्या के आधार पर। यानी भ्रूण की संख्या ज़्यादा है और वो अच्छी क्वालिटी के हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें ब्लास्टोसिस्ट कल्चर में छोड़ दें, यानी कि D5 एम्ब्रियो यानी कि हम ब्लास्टोसिस्ट जो कि सर्वश्रेष्ठ भ्रूण माने जाते हैं वहाँ तक लेकर जाएं और फिर उन भ्रूणों को हम फ्रीज कर सकते हैं। यदि महिला का पिकअप हुआ है यानी महिला स्वयं के बीज द्वारा ही आईवीएफ प्रक्रिया कर रही है तो हम कोशिश करते हैं कि जो आईवीएफ प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न भ्रूण है उनको फ्रीज करें और महिला के नेचुरल साइकिल के हिसाब से उन्हें बाद में स्थानांतरित करें, जिससे हमारे आईवीएफ के रिजल्ट बढ़ जाते हैं। यदि महिला डोनर के द्वारा अंडे लेती है तो फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, हम नेचुरल प्रक्रिया द्वारा यानी महिला की जो नेचुरल साइकिल है उसके हिसाब से एम्ब्रियो का चयन करके और उनके नेचुरल साइकिल के हिसाब से ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, फ्रीजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है, जिसमें महिला को बेहोश नहीं किया जाता है।
जो ओसाइट रिट्रीवल से उत्पन्न अंडे हैं और पुरुष के शुक्राणु से जो उत्पन्न एम्ब्रियोज हैं, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ दो एम्ब्रियोज हैं उन्हें महिला के गर्भाशय में एक सॉफ्ट कैथेटर के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं। यह भ्रूण अगर हम तीसरे दिन का भ्रूण डालते हैं तो लगभग 2 दिन के बाद इम्प्लांट होता है, और यदि ब्लास्टोसिस डालते हैं तो सेम डे ही इम्प्लांटेशन की संभावना अधिक रहती है। तो भ्रूण ट्रांसफर के बाद में लगभग 15 दिन के अंदर हम महिला को यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने की सलाह देते हैं। यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो महिला फिर आगे सोनोग्राफी और उसके अलावा जितनी भी दवाइयां हैं इंजेक्शन से उनके सेवन के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकती है, और बाद में उसे एंटीनेटल चेकअप के लिए समय समय पर हम अपने क्लिनिक में बुलवाते हैं। तो यह बहुत ज़्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं है और लगभग 1.5 से 2.5 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया और प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो महिला को हम नॉर्मल ANC पेशेंट यानी एंटीनेटल पेशेंट की तरह ही ट्रीट करते हैं, और उन्हें समय समय पर लगभग 1-1 महीने के अंतराल पर कुछ टेस्ट व सोनोग्राफी के लिए बुलाते हैं, जिससे जो बच्चा है उसके विकास पे हम नज़र रख सकें। तो IVF प्रक्रिया के बारे में आप यदि और कोई जानकारी जानना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे सेंटर पर आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।